हेलो फ्रेंड मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी ओ वी टी यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित हैं इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में बताने वाला हूं और यह जो भर्ती है बनारस में आया है जिसके बारे में डिटेल जानकारी मैं बताऊँगा उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हूँ जिसमें यह नोटिफिकेशन सेंड कर देता हूं और साथ में वीडियो भी सेंड करता हूं। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और मैं राजस्थान में लाइब्रेरियन पद पे कार्यरत हूँ यानी सरकारी नौकरी हमारी है तो हमने सोचा कि आपके लिए भी मैं सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाऊँ कि आपको हेल्प हो इस बात को ध्यान में रखकर मैं डेली सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाता हूँ अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार आपको देखना है कि किस पद में आप अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन है और आप योग्य हैं अप्लाई कर सकते हैं उसके अनुसार आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करेंगे और उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए और आपको पूरी हेल्प करूंगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है यहाँ पे पद का नाम है यहाँ पे ग्रुप यानी ग्रुप ए बी और सी में आवेदन आमंत्रित है यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है यहाँ पे पे लेवल और यहाँ पे अपर एज लिमिट है और यहाँ पे एक रिमार्क दिया गया है जिसमें कुछ पद डेपुटेशन बेसिस पे हैं और कुछ पद सरकारी नौकरी के लिए हैं जिसके बारे में डिटेल बताऊंगा यानी एक पद हैं दो या तीन पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे हैं बाकी जो पद हैं सरकारी नौकरी के लिए हैं तो कौन सा पद सरकारी नौकरी के लिए हैं और कौन सा डेपुटेशन बेसिस पे हैं जब आप वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पद के बारे में तो रजिस्ट्रार का पद हैं और ग्रुप ए में एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं एज लिमिट अधिकतम संतावन साल हैं और यह जो पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कुल चार पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं ग्रुप ए का पद हैं ओ बी कैटेगरी में एक पद हैं एक एस में हैं सॉरी एस में हैं और दो जनरल में हैं एल टेन का पद हैं एज लिमिट अधिकतम पैंतालीस साल हैं इसी तरह जूनियर असिस्टेंट के ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित हैं और इसमें कुल पद की बात करें तो कुल पंद्रह पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं जूनियर असिस्टेंट का जिसमें जनरल कैटेगरी में छः पद हैं ओ के लिए तीन पद हैं एस एस कैटेगरी में तीन पद हैं एस कैटेगरी में एक पद हैं और ई कैटेगरी में दो पद पर आवेदन आमंत्रित हैं एल थ्री का पद है और एल थ्री के अनुसार आपकी पेमेंट कितना होगा वो नीचे मैं वीडियो में बताऊंगा जब क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट सत्ताईस साल है यह जो आवेदन आमंत्रित है एडमिनिस्ट्रेटिव पद के लिए हैं और इंस्टीट्यूट वर्क डिपार्टमेंट के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं तो इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं तो सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर का ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं एक पद है एल थर्टीन का पद है एज लिमिट अधिकतम पचास साल है और यह जो पद है डेपुटेशन बेसिस पे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में एक पद है एज लिमिट पचास साल है एल बारह का पद है और जनरल कैटेगरी में एक पद है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी एज लिमिट पैंतालीस साल हैं एल टेन का पद है जनरल कैटेगरी में ए पद है और ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं इसी तरह से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में ग्रुप ए में एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और रिमेनिंग सब सेम हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ग्रुप बी में एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं एल सिक्स का पद है एज लिमिट पैंतीस साल हैं अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बनाया था 2021 में और आप अप्लाई भी किए होंगे लेकिन देखिए सीरियल नंबर एक चार पाँच छः सात जो पद हैं जो 2021 में नोटिफिकेशन आया था और सत्रह बारह 2021 में आया था तो यदि आप पहले से अप्लाई किए हैं तो यार ये एडवर्टाइजमेंट यानी पुनः एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और आपको 2021 में यहाँ पे फिर से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था और यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट आया था सभी एडवर्टाइजमेंट के कैंडिडेट को पुनः फिर से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से आप अप्लाई किए हैं तो उनके लिए फ्रेश अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अब हम यहाँ पे आते हैं तो टेक्निकल सेक्टर में देखते हैं विभिन्न पद पे आवेदन आमंत्रित हैं तो जूनियर टेक्नीशियन के लिए ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित हैं और कुल पद की बात करें तो जनरल कैटेगरी में तीन पद हैं ओ में दो पद हैं एक ए कैटेगरी और एक ई कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं यानी कुल सेवन पद हैं एल थ्री का पद है और एज लिमिट है सत्ताईस साल जूनियर टेक्नीशियन ग्रेट सेकेंड में कुल पद की बात करें तो कुल दस पद पर आवेदन आमंत्रित हैं जिसमें जनरल कैटेगरी में पांच पद हैं ओ में दो पद ए कैटेगरी में दो पद हैं और एस कैटेगरी के लिए एक पद है एल का पद है एज लिमिट सताइस साल है यानी जो ग्रुप सी का सॉरी ग्रुप सी का जो पद है वो सभी पद के लिए लिमिट सताईस साल हैं अब जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप सी में कुल पद की बात करें तो कुल पांच पद पर आवेदन आमंत्रित हैं एल थ्री का पद है जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप फोर यानी ग्रुप फोर कैटेगरी सी है इसमें कुल चार पद पर आवेदन आमंत्रित हैं लिमिट सताईस साल हैं और जनरल कैटेगरी में दो पद हैं तो एक एसी और एक ओबीसी के लिए हैं जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप फाइव में ग्रुप सी के लिए कुल चार पर आवेदन आमंत्रित हैं जनरल कैटेगरी में दो पद हैं एस में एक सॉरी एस में एक पद हैं एक ओ के लिए हैं और एज लिमिट सत्ताईस साल हैं यह नोटिफिकेशन है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा जिससे कि आप अच्छे से पढ़कर और डिटेल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित वीडियो आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा अलग से अब हम बात करते हैं सभी पोस्टवार पद के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में उसके बाद हम बताएंगे आपके एप्लीकेशन शुल्क के बारे में कि एप्लीकेशन शुल्क कितना लग रहा है तो क्वालिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पर आया है तो बनारस में आवेदन आमंत्रित हैं यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आई आई टी बी एच यू में आवेदन आमंत्रित हैं जिससे रिलेटेड मैं 2021 में भी वीडियो बनाया था लेकिन यदि आप पहले से अप्लाई किए हैं तो आपको पुनः अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट पर लिंक ओपन हो गया है आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और फिल करना है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी सॉरी अट्ठाईस फरवरी 2023 शाम को पाँच बजे तक है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के उपरांत एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने पास सुरक्षित रखना है और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम आपको अप्लीकेशन फार्म को फिजिकल कॉपी में प्रजेंट करना है यानी वहाँ पे दे देना है जो भी आपके इंटरव्यू होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम के लिए आपको रखना है कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सेंड नहीं करना है इस आईआईटी बीएचयू में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड नहीं करना है अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो क्वालिफिकेशन है जो यू जी नॉर्म्स के अनुसार हैं जो फर्स्ट पद है हमारे रजिस्ट्रार के लिए इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री में फिफ्टी अंक हैं ग्रेड वी है ए यू सी सेवन पॉइंट स्केल गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और कम से कम पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है जो असिस्टेंट प्रोफेसर या एकेडमिक लेवल टेन के अनुसार होना चाहिए यदि एकेडमिक लेवल आपके ट्वेल्व के अनुसार क्वालिफिकेशन है तो आठ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अब या, या करके और भी डिटेल जानकारी दिया है तो ये सब डिटेल जानकारी आप खुद देख लेंगे नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सॉरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और व्हाट्सअप ग्रुप में यह सेम नोटिफिकेशन आपको मैं सेंड कर दूंगा जहां से आप ज्वाइन करना चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार आप ज्वाइन कर सकते हैं अदरवाइज डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह जो क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैं बता देता हूँ मास्टर डिग्री फिफ्टी अंक होना चाहिए और ग्रेड ऑफ बी ई जी स्केल गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है इतना तो क्वालिफिकेशन है लेकिन आप ए सी एस टी और पी डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो पचा पचपन परसेंट क्वालिफाई है उन और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पचास परसेंट क्वालिफाई होना चाहिए यानी पचास परसेंट अंक होना चाहिए मास्टर डिग्री में यह थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन वाला था इसलिए मैं बता दिया कि ए सी एस टी और पी डी कैंडिडेट मास्टर डिग्री में यदि पचास परसेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे डिजाइवर क्वालिफिकेशन दिया है तो डिजाइवर क्वालिफिकेशन उस टाइम मायने रखता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो थोड़ा सा रहता है लेकिन ज़्यादा वो नहीं है एसेंशियल नहीं है डिजाइवर का मतलब कि उस टाइम महत्व तो दिया जाएगा जब आपका सेम नंबर हो जाएगा एग्जाम में या इंटरव्यू में या ए के अनुसार तो उस टाइम उनको महत्व तो दिया जाता है अब जूनियर असिस्टेंट के लिए हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में तो बेचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फिफ्टी अंक के साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशन आप किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री है और 55 परसेंट अंक हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं बट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए डिजाइवर से रिलेटेड भी डिटेल जानकारी दिया है इसमें यही है कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारी है सेम वही है डिजाइवर में भी तो आपको पता है कंप्यूटर इस टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स हो गया है किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के लिए सुपरीटेंडिंग so, इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो शॉर्टकट इसके लिए क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ कि आप बी या बी डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं यानी इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको फर्स्ट डिवीजन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कम से कम 18 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हैं यदि आपके पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एल ट्व पे आप हैं तो कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस है तो यह एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा है इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको खुद पढ़ सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा दिया है और मेन बात है एक्सपीरियंस से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए हम बात करें क्वालिफिकेशन के लिए तो इसमें बी बी टेक संबंधित सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से और पे लेवल एल टेन के आधार पर आठ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि आपके पास मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन है तो आपके पास छः साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि क्वालिफिकेशन फुल क्वालिफिकेशन बताने में वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपके लिए तो आप आगे पीछे करके यानी भगा कर या इसका जो साउंड है उसको तेज करके भी आप देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आप देखना चाहते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद के लिए हम बात करें तो इसमें भी बी टेक फॉम रिगिनाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए इसके साथ में तीन साल का एक्सपीरियंस पे लेवल यानी एल एट के आ कम से कम एल एट पर तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी तरह से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पद है उसके लिए भी सेम है फर्स्ट डिवीजन है संबंधित सब्जेक्ट में अब हम बात करते हैं आठ नंबर का जो पद है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आवेदन जो आमंत्रित है जनरल कैटेगरी में तो इसमें भी बी बी टेक फिफ्टी फाइव परसेंट अंक के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और इसके साथ में एक साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है रिलेटिव फील्ड में एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर टेक्नीशियन के लिए हम बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग या बायो मेडिकल इंजीनियरिंग या बायो केमिकल इंजीनियरिंग या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या बी फार्मा या इक्विपलेंट कोई भी में किसी भी में फिफ्टी फाइव परसेंट आपका क्वालिफिकेशन है इसके साथ में आपका जो है कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान होना चाहिए एक अच्छा टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जूनियर टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेचलर डिग्री है फिफ्टी फाइव परसेंट अंक के साथ में और सब्जेक्ट की बात करें तो मटेरियल साइंस या टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेटा इंजीनियरिंग है या जेनेमिक इंजीनियरिंग या इक्विबेंट इंजीनियरिंग के फील्ड में है इसके लिए कैटेगरी वाइज पद में आगे बता दिया था अब हम बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप थर्ड के लिए जो आवेदन आमंत्रित था तो इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है बैचलर डिग्री है 55 परसेंट अंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक यानी डबल ई या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग रिलेटेड एरिया या फील्ड से संबंधित 55 परसेंट अंक होना चाहिए इसके अलावा आपको पता इंजीनियरिंग फील्ड में है तो ये इसमें जो मांगा है वो आपके पास होगा ही कंप्यूटर ऑफिस अप्लीकेशन से रिलेटेड ज्ञान है और आप इंजीनियरिंग फील्ड में बी बी किए हैं तो यह तो नॉर्मल बात है आपके लिए जूनियर टेक्नीशियन की हम बात करते हैं ग्रुप फोर के लिए तो इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री संबंधित फील्ड में है फिफ्टी फाइव परसेंट अंक के साथ सेम क्वालिफिकेशन है जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप फाइव के लिए जो पद है ग्रुप सी में इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम संबंधित सब्जेक्ट में थोड़ा सा अंतर है जो मैं बता देता हूँ कि बैचलर डिग्री फिफ्टी फाइव परसेंट अंक के साथ में केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स या इक्वलेंट फील्ड में होना चाहिए इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित वही एमएस ऑफिस है उससे रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए यह तो रहा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन शुल्क के बारे में देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए अलग से अप्लीकेशन शुल्क दिया है तो यदि आप ए सी एस टी ओ पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट नहीं है तो उसके लिए पाँच सौ रुपया अपलीकेशन शुल्क है ए सी एस और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए दो सौ पचास रुपये अप्लीकेशन शुल्क है ग्रुप सी में बात करें तो ए सी एस और पी डी कैंडिडेट नहीं है तो दो सौ पचास रुपये अपलीकेशन शुल्क है और ए सी एस टी पी डी कैंडिडेट के लिए सौ रुपये अपीलीकेशन शुल्क है अप्लीकेशन शुल्क डायरेक्ट आपको अकाउंट में पे करना है यहाँ पे आई आई टी बी एच ओ का जो रजिस्ट्रार का अकाउंट नंबर है यहाँ पे दी गई है और इसी अकाउंट नंबर पर आपको पेमेंट करना है अब यहाँ पे आते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कैंडिडेट के लिए तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना जरूरी होता है अब एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि अट्ठाईस फरवरी दो हज़ार तेईस हैं जो भी आप अपलीकेशन फॉर्म फिल करेंगे फिर फीस सबमिट होने के बाद अप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखना है उस टाइम आपको प्रजेंट करना है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम आपको फिजिकल कॉपी में आपका अप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किया हुआ संबंधी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो चाहिए तो फ्रेंड इस चैनल पर इसी तरह का सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो मैं लाता रहता हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कि जैसे ही मैं सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिले और मैं आपके लिए सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो लाता हूँ तो कम से कम आप वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक ही कीजिए बट सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद